हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विवेक लेके आ गया हूँ एक आप सभी के लिए न्यू डांस ट्यूटोरियल वीडियो। सो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज जो हम लोग स्टेप सीखने वाले हैं उस स्टेप का नाम है किक बॉल चेंज। सो करने से पहले, सीखने से पहले हम लोग एक बार स्टेप देखते हैं कि वो स्टेप होता कैसे है। सो किक बॉल चेंज स्टेप का जो बेसिक ट्यूटोरियल है हमें उसे स्टेप बाय स्टेप सीखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि उसके हैंड पोस्चर कैसे होंगे। ओके, 5 6 7 गो, 1 and 2 देन 3 and 4 अगेन 5 and 6 देन 7 and 8। सबसे पहले आपको दोनों हैंड्स को अपने आगे लेके जाना है 1 और क्लोज लेके आना है एंड और ओपन करना है 2। ओके, वन मोर टाइम, 5 6 7 गो, 1 and 2 then 3 and 4। ओके, आपके फिंगर जो है वो 5 ओपन है ऐसा। ओके, सो लाभ हमारा जो आप फुटवर्क आएगा इसमें स्टेप करते वक्त, तो सबसे पहले राइट लेग से हम अपने किक करेंगे जस्ट 1। ओके, 1 more time, 5 6 7 गो, 1 आपको राइट लेग किक करना है। देन उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप आएगा जस्ट किक एंड जंप। जब करते वक्त हम अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे। ओके, 1 more time, 5 6 7 गो, किक एंड जंप। एक बार मैं इसको साइड प्रोफाइल से भी दिखा देता हूं। 5 6 7 गो, राइट लेग से किक किया हमने, 1 and jump। ओके, नाउ उसके बाद हमें क्या करना है, जस्ट 1 and jump एंड साइड स्टेप रखेंगे लेफ्ट लेग को। ओके, ओनली टो पे रखना है, आपका पूरी बॉडी का वेट राइट लेग पे रहेगा, राइट लेग आपका थोड़ा सा बेंड रहेगा। ओके, 1 more time, 5 6 7 गो, किक जंप एंड स्टेप। ओके, लेफ्ट लेग को ओपन करना है। अब इसे हम लोग जो है अपने हैंड्स के पोस्चर के साथ करेंगे, 5 6 7 गो, जस्ट 1 and 2। ओके, 1 more time, 5 6 7 गो, 1 and 2। सो लास्ट पोजिशन थी हमारी। ओके, जब यहां से हम लेफ्ट लेग से अगेन किक करेंगे, 1 and jump एंड 2 साइड स्टेप। 1 more time, 5 6 लास्ट स्टेप, 5 6 7 गो, 1 and 2। ओके, अब हमारा सेम इसमें हैंड्स का पोजीशन भी सेम रहेगा, लाइक दिस हमारा लास्ट स्टेप यहां था, जस्ट 1 and 2। सबसे पहले आपको मैं बेसिक बता दूं कि अगर आपका कॉन्फिडेंट ज्यादा अच्छा नहीं है तो सबसे पहले सारे हैंड्स पोजीशन को अलग से प्रैक्टिस करें एंड फुटवर्क को अलग से। ओके, जैसे मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूं कैसे। 5 6 7 गो, किक जंप एंड ओपन। ओके, देन अगेन किक जंप ओपन, अगेन किक जंप ओपन, अगेन किक जंप ओपन। ओके, सो ये था हमारा फुटवर्क जो हमें स्लोली स्लोली प्रैक्टिस करनी है। ओके, जब आपका कॉन्फिडेंट बिल्डअप होता है तो आप इसको स्पीड में कन्वर्ट करें। ओके, तो मैं फिर से आपको स्पीड में करके दिखाता हूं। जस्ट किक बॉल चेंज, 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 किक बॉल चेंज। ओके, सो आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हैबिट बहुत अच्छी बन जाएगी। अब जो इसके साथ में इसका फ्लेवर बताने वाला हूं, आपको करना क्या है, इसमें जब हम किक बॉल चेंज करते हैं तो चेंज के टाइम पे हमें थोड़ा सा स्लाइड करना होता है लेग से, लाइक दिस। मैं एक बार करके दिखाता हूं। जैसे मैंने किक किया एंड जंप लिया एंड फर्स्ट स्टेप किया, लेफ्ट लेग हमारा साइड पे गया, अब यहीं से राइट लेग को थोड़ा सा मैं पीछे स्लाइड करूंगा दिस वन और किक करूंगा इसी टाइम। फिर से 5 6 7 गो, 1 and 2। ओके, 1 more time, 5 6 7 गो, 1 and 2 देन 3 and 4। इससे क्या होगा कि आप अपनी पोजीशन पे फिक्स बने रहेंगे, बाकी आप आगे ट्रेवल भी कर सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, साइड में भी जा सकते हैं एंड लेफ्ट साइड में भी जा सकते हैं। सो अब ये प्रॉपर हम लोग स्टेप कंप्लीट होता है, तो अब इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक बार स्लो काउंट पे करते हैं। 5 6 7 गो, 1 and 2 देन 3 and 4 देन 5 and 6 देन 7 and 8। ओके, और देन इसकी स्पीड में प्रैक्टिस करते हैं। 5 6 7 गो, 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8। सो यहां तक था हमारा ये किक बॉल स्टेप चेंज का बेसिक ट्यूटोरियल। सो प्लीज इसकी प्रैक्टिस करिएगा और स्लोली स्लोली प्रैक्टिस सबसे पहले आपको करनी है ताकि आपकी हैबिट में आ जाए और देन आपका जब कॉन्फिडेंट बिल्डअप होता है तो आप इसको स्पीड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके,
आगे इसी तरीके से मैं ट्यूटोरियल वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें कि आपको पर्टिकुलर कौन सा स्टेप सीखना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।